हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टोमेटो अर्ली ब्लाइट जो आती है, इसको अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी कहते हैं, इसके ऊपर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में इंडिया के अंदर जितने भी लेटेस्ट जो फंजीसाइड बैक्टेरीसाइड अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम आपको यहाँ पे आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जिसको टमाटर का अगेता झुलसा रोग कहते हैं। बेसिकली जो इसका कारण है, ये एक फंगस है जिसको अल्टरनेरिया सोलेनाई कहते हैं। और इसके अलावा एक अभी रिसेंट में एक टोमेटो फिला करके भी एक इसका जो स्ट्रेन है या स्पीसी जो है फंगस की, ये नोटिफाई हुई है। तो अल्टरनेरिया ये एक फंगस है जिसके कारण से ये जो ब्लाइट है ये आई है, और इस समय पे ये काफ़ी ज़्यादा आती है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसका जो एक धब्बा या जिसको स्पॉट हम कहते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये एक बड़ा क्लियर कट बनता है, बर्ड आई स्पॉट इसको कहते हैं, या जैसे चिड़िया की आंख होती है ना, इस तरह का इसका कभी कभी गोल और कभी कभी इलेप्टिकल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये गोल रंग का धब्बा बनता है। सबसे पहले जो इसका अटैक है वो पत्ती, जो निचली पत्ती है उससे शुरुआत होती है, नीचे की पत्ती से, और फिर ये धीरे धीरे ये जो रोग है ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में होता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके जो स्पॉट हैं वो आपको फ्रूट पे भी दिखाई देते हैं और ये ऊपर की पूरी पत्तियों में, इवन ये बढ़ते बढ़ते जो है, ये देखिए आप इस तरह से पूरी पत्ती के अंदर आ गया है, ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पे फूलों में भी है, पत्ती में भी है, और इवन जो तना है, जो कोमल तने होते हैं उसके अंदर भी इसका जो अटैक है वो हमको दिखाई देता है। अगर इस बीमारी के अनुकूल मौसम हो जाता है तो पूरा जो हमारा पौधा है, आप देख रहे हैं ना, पूरा पौधा इसमें खत्म हो जाता है। अब ऐसे कौन से कारण बनते हैं जिसके कारण से ये बीमारी ज़्यादा आती है? किसी भी मौसम में आ सकती है वैसे तो ये, लेकिन जो हम ये जो बरसात वाले जो टमाटर लगाते हैं इसके अंदर ये ज़्यादा आती है। अगर नमी 80% से ऊपर होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जो हवा में नमी होती है, तब ये बीमारी ज़्यादा आती है। इसी तरह से हाई टेम्परेचर, अगर तापमान ज़्यादा होता है तो ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो मॉनिटरिंग जैसा मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा वातावरण हमारे खेत में बने, आपने टमाटर लगाया और आपको लग रहा है कि रुक रुक के बरसात हो रही है, बहुत तेज़ बरसात हो रही है और नमी बढ़ रही है और तापमान भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे जो ये है अर्ली ब्लाइट ये आ सकती है। तो हमको तुरंत से इसके लिए जो मैं आपको आगे फंजीसाइड की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ वो हमको ला के तैयार रखना है। हमको इसका आने का इंतजार नहीं करना है कि बीमारी आएगी। जैसे ही आपको अगर नीचे के पत्तों में, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, नीचे के पत्तों में छोटे मोटे स्पॉट दिखाई दे, उसी समय पे ही हमको इसमें स्प्रे लेना है, एक्शन लेना है। कभी कभी कुछ किसान भाई ऐसे कंफ्यूज भी होते हैं कि जब पूरा पौधा एकदम से झुलस जाता है तो कहीं इसमें विल्टिंग तो नहीं आ गई है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, पत्तियां इस तरह से हैं तो वो विल्टिंग के नहीं, अर्ली ब्लाइट के लक्षण हैं। अब सबसे टॉप क्लास की जो फंजीसाइड अवेलेबल है मार्केट में, मैंने उसका पूरा लिस्ट आपको शेयर किया है। एक साइड में, राइट साइड में मैंने जैविक भी दिया है, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम और स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, जो ये इनमें एक हमारी मित्र फफूंद है जो हमारी ट्राइकोडर्मा है, और ये जो बैक्टीरिया है मित्र बैक्टीरिया है, ये आप अगर इनका स्प्रे करते हैं तो इससे भी जो हमारा इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो मैंने नो फंजीसाइड, जो लेटेस्ट फंजीसाइड है उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट शेयर की हुई है, ये कर सकते हैं। अगर हल्की फुल्की शुरुआत होती है तो वहाँ पे आप मैनकोजेब और कोप्रोक्सीक्लोराइड, उसका भी आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम से आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें भी कुछ जो किसान, जो आप जैसे अच्छे किसान जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैंने इसमें दिए हैं। जैसे 8 नंबर वाला ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको मैंने इसमें दिया है। 9 नंबर पे है ये, मार्केट में मिलता है। तो ये बड़े अच्छे जो हैं, सभी के सभी बहुत अच्छे फंजीसाइड हैं। अगर आप इनका समय रहते अगर इनका स्प्रे करते हैं तो आपका जो बीमारी है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। अब कभी कभी हम कन्फ्यूजन में भी हो जाते हैं। कन्फ्यूजन कैसे, कि इसमें चार, जिसमें से एक फंगल है जिसको सेप्टोरिया लीफ स्पॉट कहते हैं, उसके सिम्टम भी हूबहू ऐसे ही आते हैं, तो कभी कभी वो भी आ जाती है।
और कभी कभी इसमें तीन, जिसमें एक बैक्टीरियल स्पॉट बीमारी है, बैक्टीरियल स्पीक बीमारी है और बैक्टीरियल कैंकर, तो ये तीन इसमें से जो बैक्टीरियल स्पॉट और बैक्टीरियल स्पीक, इनके जो सिम्टम है वो फ्रूट पे भी आते हैं और लीफ पे भी आते हैं। और बैक्टीरियल जो कैंकर है, इसमें जो लीफ की मार्जिन है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, मतलब फंगल प्लस बैक्टीरियल, ये दोनों हमारे खेत में हो। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि आप उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिसाइड जो आता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट कहते हैं, वो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। लगभग 100 लीटर पानी में 12 ग्राम, 6 ग्राम का एक पाउच आता है उसका, तो आप 2 पाउच उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिसाइड आते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये भी एज ए बैक्टीरिसाइड है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया रिसेंटली अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो इसमें कासुगामाइसिन ये एक भी बैक्टीरिसाइड है, सीओसी भी बैक्टीरिसाइड प्लस फंजीसाइड है। तो आप अगर इसका जैसे इनिशियल स्टेज में जब आपके शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो 3 नंबर है और जो 5 नंबर है, इसको आप कोई फंजीसाइड के साथ मिला के, वेलिडामाइसिन और कासुगामाइसिन को आप कोई, जो मैंने पहले आपको जो लिस्ट शेयर की है, इस लिस्ट के साथ में भी आप उनको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 नंबर पे है, इसमें फंजीसाइड भी है और एक तरह से एंटीबायोटिक भी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई और अन्य चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट है। तो थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्ली ब्लाइट के ऊपर जो आपको समस्या आ रही है, इसमें जो अपने लेटेस्ट फंजीसाइड और जो बैक्टीरिसाइड है उनकी लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर की, आप इसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।